Hey यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं जो ए है के एग्जाम के लिए तो आइए हम जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर कितने लोगों को प्रोविजनली एडमिटेड किया गया है गाइस गाइस यहाँ पर जनरली बात करें यहाँ पर तो डिटेल ऑफ एप्लीकेट हुव बीन प्रोविजनली एडमिटेड ऑन क्लेम बेसिस फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन जो शेड्यूल हुआ है वो हुआ है आपका 24 दस 2021 को और 11 बजे ठीक है गाइस तो आपको पता है 11 बजे का टाइम दिया गया है और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 206 की यहां पर बात की गई है ठीक है गाइस तो यहाँ पर देखें गाइस तो यहाँ पर आपका देखे रखा है नेम जेंडर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ये वाली चीजें जो है वो मेंशन कर रखी हैं तो आपने काइंडली इस डिटेल से है अपना यहाँ पर चेकआउट कर लेना है कि आ, आपको अलॉट हुआ है एडमिट कार्ड की नहीं गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्जाम आपका भरा है यहाँ पर मैं हर यहाँ पर हर पेज पे आके मैं थोड़ा रुक रही हूँ ताकि हर स्टूडेंट जो है वो अपना स्क्रीन लेके जो है वो अपनी जानकारी चेकआउट कर ले ठीक है गाइज तो यहाँ पर आप देख सकते हो पंद्रह सो पचहत्तर सोलह सो तिरसठ सत्रह सो अठारह उन्नीस दो हजार यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस बार देखने को मिलेगा ठीक है गाइस तो यहाँ पर आपने अपनी प्रिपरेशन नहीं रोकनी है आपको पता है कि मैंने आपके साथ जे आई टी नॉन यूनिवर्सिटी का टाइपिंग एक्सपीरियंस पेपर कैसा आता है कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो सारा कुछ जो है वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करके रखा है ठीक है गाइस तो आपने उन वीडियो को जरूर चेकआउट करना है और आपको पता है कि इसमें सी के क्वेश्चन भी मैक्सिमम देखने को मिलते हैं तो मैंने अब सी के क्वेश्चन जो है वो भी डाल के रखे हैं आपने जरूर के ट्यूटोरियल देख के जाना है और जो भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं उसके रिगार्डिंग वो भी गाइज आपने चेकआउट करना है ठीक है गाइज तो यहाँ पर आपने ध्यान से इस एग्जाम की तैयारी करनी है क्योंकि गाइज आपको पता ही है जिस जिस तरह से आपका जीओ का पेपर आता है तो अब लेवल जो है वो डे बाई डे आपको टफ ही देखने को मिलेगा ठीक है गाइज गाइज यहाँ पर मैं ऐसा करूंगी कि इस पी का जो लिंक है और जो भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी तो आपने वहां पर जाके भी इसको डाउनलोड कर देना है ठीक है अगर आप टेलीग्राम पे अवेलेबल है मेरे साथ तो मैं टेलीग्राम पे इसको ज़रूर ज़रूर शेयर करूंगी क्योंकि गाइस यहाँ पर आप मान सकते हो कि नाइन्टी फाइव नाइन्टी के आसपास जो है वो यहाँ पर लोगों को एडमिट कार्ड जो है वो इशू हुए हैं ठीक है गाइज तो यहाँ पर देख सकते हो कि आ, दस के आसपास लोग जो है वो यहाँ पर जारी हुए आप देखना ये है कि कितने लोग इस पेपर को देते हैं और गाइज आपने अपनी तैयारी जो है वो काफी अच्छे से करनी है ठीक है गाइज गाइज अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम